सो हेलो गाइज, इट्स आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वाइकिंग सीरीज के एपिसोड नंबर सेकंड का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो इन द प्रीवियस एपिसोड हमने देखा था कि कैसे रैगनार ने किंग को प्रस्ताव दिया था इन टू द वेस्ट जाने के लिए, बट किंग बींग किंग मना कर दिया था। बट कीड़े तो रैगनार में भी हैं, वो कहाँ मानने वाला। सो वो अपने भाई रोलो को लेके, जो कि बहुत ही ज्यादा ठरकी है, एंड विद द फ्लॉकी वेस्ट में जाने की तैयारी करने लग। बट इन द एंड रैगनार के इस दुस्साहस के बारे में किंग को मालूम लग जाता है, एंड इसी के साथ एपिसोड फर्स्ट खत्म हो जाता है। सो इन द स्टार्टिंग ऑफ सेकंड एपिसोड हम देखते हैं कि रैगनार विद हिज ब्रदर रोलो अपने सच्चे और पक्के दोस्त के पास जाता है, जहां पर एरिक ने अंडर हिज नॉलेज कुछ वॉरियर्स को बुलाया होता है, सो दैट रैगनार उन्हें अपना प्लान बता सके, एंड इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने के लिए एवरी वॉरियर अपने पवित्र कड़े की कसम खाते हैं। आफ्टर दैट रैगनार वहां के सारे वाइकिंग्स को अपने प्लान के बारे में समझाता है, लाइक कि उन्हें वेस्ट की डायरेक्शन से होते हुए इंग्लैंड पहुंचना है। इवन दो रैगनार उन्हें अपने खुद के बनाए हुए कंपस के बारे में भी बताता है कि कैसे दैट थिंग उन्हें विद द हेल्प ऑफ सन नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में बताती है। बट समवन जो कि उसी मीटिंग में होता है बताता है कि इस बार भी किंग वाइकिंग्स को ईस्ट डायरेक्शन में भेजने की कोशिश कर रहा है। बट जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि उनके पास ऑलरेडी एक बोट रेडी है, एंड रैगनार यही बात उन्हें समझाता है। रैगनार उन्हें मोटिवेट करता है कि यही मौका है फॉर ऑल ऑफ अस वॉरियर को अपनी क्षमता दिखाने का और अपने देवता को खुश करने का। सो इसीलिए जो कोई भी मेरे साथ चलना चाहे वो चल सकता है। जिसकी हामी भरते हुए सारे वॉरियर्स रैगनार की बात मान जाते हैं। इसके बाद रैगनार जाते जाते सबको बताता है कि वो लोग जल्दी ही एडवेंचर पे निकलेंगे, लेकिन किंग के पास ये खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। ऑन द नेक्स्ट सीन हमें किंग का खबरी दिखाया जाता है, जो कि किंग को सारी बातें डिटेल में समझा रहा होता है कि जैसे ये पूरी मीटिंग एरिक के घर पे हुई थी, एंड पूरी बातें बताने के बाद वो किंग से ये भी पूछता है कि आप उन्हें किस तरीके की सजा दोगे, क्या सजा दोगे, जिस पे किंग जवाब देते हैं कि नहीं अभी नहीं। इन द नेक्स्ट फ्रेम हम देखते हैं कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट रैगनार अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी वाइफ उससे पूछती है कि तुम मुझे भी टू द वेस्ट ले चलोगे ना। रैगनार अपनी वाइफ को कन्फ्रंट करता है कि इफ अगर तुम भी मेरे साथ चलोगी तो हमारे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, हमारे घर का ख्याल कौन रखेगा, हमारी होल लाइफस्टाइल का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि इस सफर में बहुत ही ज्यादा खतरा है, जिसकी वजह से अगर मुझे या तुम्हें कुछ हो जाएगा तो अगेन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। बट रैगनार की वाइफ मार्था जिद पर अड़ी रहती है, जिसकी वजह से वो अपने रैगनार को फाइट का चैलेंज देती है, एंड वाइल्ड फाइटिंग उन्हें उनका बेटा रोक लेता है। ऑन द अदर साइड हम देखते हैं कि किंग की वाइफ किंग के सारे गद्दारों को मारने का ऑर्डर दे देती है, एंड सडनली राजा भी मान जाता है। इसके बाद जब वो दिन आता है जब ये सब लोग ट्रिप के लिए निकलने वाले होते हैं, जहां पे हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग तैयारी कर रहे होते हैं जाने की, एंड फ्लॉक अपने गॉड की पूजा करने के बाद रैगनार के साथ चलने के लिए निकल जाता है। एंड ऑन द अदर सीन हम देख पाते हैं कि गैन्यूट रैगनार और बाकी सभी को धोखा देते हुए किंग को उनके निकल जाने की खबर दे देता है, जिसके बाद उन सभी के सफर पे जब सूरज बिल्कुल उनके सर पे होता है, देन वो सभी रैगनार को डायरेक्शन का पता लगाने के बारे में बोलते हैं। एंड ड्यू टू दिस वुडन कंपास हमें दिखाता है कि यस वो सभी सही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। इवन दो थोड़े टाइम हम देख पाते हैं कि मौसम बहुत ही तूफानी हो चुका है, आसमान में बिजलियां कड़क रही हैं, बट इसे देखकर अपना फ्लॉकी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, एंड हमें पता चलता है कि उसके अकॉर्डिंग वो तूफान के देवता थॉर कर रहे हैं। भाई थॉर, तेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या? नेक्स्ट फ्रेम में हमें नॉर्थ एम्ब्रिया इंग्लैंड के एक चर्च का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ प्रीस्ट घबरा रहे होते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम कयामत का दिन आ चुका है। हमें ये भी बताया जाता है कि उनकी माने तो आज समुन्दर के अंदर से एक शैतान आकर उन्हें उनके गुनाहों की सजा देगा, लेकिन अनदर प्रीस्ट उसको बकवास ना करने और वहां से जाने को कहता है। इसके बाद सीन वापस से किंग की तरफ जाता है, जो कि उसी लोहार के पास जाता है जिसने फ्लॉकी की मदद करी होती है। किंग उससे फ्लॉकी की शिप के बारे में पूछते हैं, बट लोहार बताने से कुछ भी बताने से मना कर देता है, जिसके बाद किंग का सर्वेंट लोहार की बेटी को मारने की धमकी देने लगता है।
लगता है एंड ऑब्वियसली दोस्त से बड़ा बेटी का प्यार होता है, तो वो सारी चीजें किंग के सामने बक देता है कि यस उसी ने रैगनार की मदद की थी, बट किंग बीइंग किंग उसके सच बोलने के बावजूद उसे मरवा देते हैं। इसके बाद हमें रैगनार की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहां पे एक क्रू मेंबर बोट पे बाकी सारे क्रू मेंबर्स को डीमोटिवेट कर रहा होता है ये कह के कि वहां की तरफ दूसरी तरफ जहां हम जा रहे हैं वहां पर कोई लैंड नहीं है एंड हम सब जल्दी ही मरने वाले हैं। वो ऐसे ही सबको डीमोटिवेट कर रहा होता है, ज्यादा बोल रहा होता है, जिसकी वजह से अपना रैगनार उसे मार देता है। आगे हम देखते हैं रैगनार अपनी सिप से कुछ क्रोज को उड़ाता है इस उम्मीद में कि अगर वो वापस नहीं आए देन आगे कोई लैंड है, बट अगर वो वापस आ गए देन वो लोग रास्ता भटक चुके हैं एंड आगे कोई लैंड नहीं है। जिसके बाद हमें सुनाई देती है कुछ बर्ड्स की आवाज जिसकी वजह से वो सभी निराश हो जाते हैं, कि तभी हमें दिखाया जाता है कि वो आवाज एक्चुअल में समुद्री पक्षियों की थी एंड जिसके सडनली बाद रैगनार को लैंड नजर भी आ जाता है। रैगनार की शिप को देखकर वहां के लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, उन लोगों की फट जाती है एंड रैगनार को भी ये बात पता चल जाती है, जिसकी वजह से वो सारे वाइकिंग्स को रेडी होने को बोल देता है। सारे वाइकिंग्स रेडी हो के जब चर्च के अंदर एंटर करते हैं तब वो पादरियों को देखते हैं जो कि प्रे कर रहे होते हैं, बट ऑब्वियसली वाइकिंग्स को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो वहां के सारे पादरियों को मारने लगते हैं, जान लेने लगते हैं उनकी। जब फ्लॉकी क्रिश्चियनिटी की होली बुक्स और पेपर्स को देखता है तो वो उन सभी पेपर्स को जला देता है, जिसके बाद इन द लास्ट वो बचे हुए प्रीस्ट को अपने साथ गुलाम बनाकर अपने आगे के सफर तय करने के लिए ले जाते हैं एंड यस एपिसोड सेकंड इसी के साथ खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय टाटा।